हमारी धनों में मोटरसाइकिल में पानी चला गया। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम हपचौकी के पास मौजूद हैं और आज का हमारा जो टूर है वो है सांड फकीर का। सांड फकीर के लिए अभी हम हपचौकी के रास्ते से होते हुए विंदर से फिर कनराज रोड की तरफ जाएंगे, वहाँ आगे जाके आपको बाकी चीज़ें हम दिखाएंगे। और सांड फकीर का जो इस वक्त मौसम हुआ हुआ है बहुत ही औसम है और आगे चल के आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। हाँ तो भाई, अभी हम विंदर शहर पहुंच गए और ये दुकान है, यहाँ पर हम लोग लेंगे राशन अपना। अभी हम पहुंचे कनराज रोड पर और कनराज रोड पे आगे आकर हम ये मिठड़ी पिकनिक पॉइंट का जो बोर्ड लगा हुआ था उससे पहले हम आए हुए सत्तार होटल पे। और ये सत्तार होटल के पास हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल जो 125 है वो पंचर हो गई है, अभी बस वो पंचर बनाएंगे, उसके बाद फिर अपने आगे का सफ़र करेंगे। इज्जत वाली बेइज्जती भाई। ये अभी हम आ रहे थे सांड फकीर से, पहले जो नहर आती है बड़ी, उसमें हमारी धनों में मोटरसाइकिल में पानी चला गया। अभी ये बस हमारे पेट्रोल से अभी इसको साफ ऑफ करके इसमें फिर नया ऑयल लिया वो डालेंगे। हाँ तो भाई, हम विंदर से होते हुए कनराज रोड पर आए और कनराज रोड पर से आते हुए उसके बाद हम ये पहुँचे हैं सांड फकीर के क्रॉस पे। सांड फकीर के क्रॉस के लिए आपको ये बोर्ड याद रखना होगा, नूरानी क्रॉस, सामने एक टायरों के कुछ पीसेस भी टंगे हुए हैं और सामने एक जगह भी बन रही है, तो ये क्रॉस है। तो कनराज रोड पर आप आएँ तो इस बोर्ड को ऐसा निशानी के तौर पे याद रखें। हाँ तो भाई, फाइनली हम लोग जो है सांड फकीर पहुंच चुके हैं। सांड फकीर का अगर व्यू मेरा कैमरामैन आपको राउंड करके दिखा सके, पूरी तरफ जो है ना हरियाली ही हरियाली है। बारिशों के बाद यहाँ का मौसम ऐसा हो जाता है जैसे आप किसी नॉर्दर्न के एरियाज़ में मौजूद हों। ये एरिया सांड फकीर जो कि लगभग कराची से यहाँ तक का सफ़र 165 किलोमीटर है, बारिशों के सीज़न में यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर हरियाली ही हरियाली मिलेगी, नहरों में पानी और हर तरफ यहाँ पर एक अलग ही समा खूबसूरती होगी। और अगर मेरे पीछे ये पहाड़ियाँ आप देखें, बादल तकरीबन जो है बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और इसी पहाड़ियों के बैक साइड पे नूरानी शाह नूरानी का मज़ार भी आता है और वो मज़ार तकरीबन अगर पैदल आप जाएँ तो 2 घंटे का मज़ीद पैदल का रास्ता होगा यहाँ पर, क्योंकि बाइकें वगैरह नहीं जा सकती। ओ दोस्त मई दिलानी दरमान मई गमानी कष्टा फरा शरा मई आराम दी बिगानी शम्मा ते इंतजार है ओ जा मुर्ग सूरतानी। ओ दोस्त मई दिलानी दरमान मई गमानी कष्टा फरा शरा मई आराम जी बिगाली हम्मा ते इंतजार है ओ क्या मुर्ग सुल्तानी। हाँ तो भाई, हमने सांड फकीर के बाद फिर नाइट स्टे का इरादा किया पीर बुकर पे और ये पीर बुकर के इस अलाना होटल पे हमने अपनी रात गुजारी जो कि बड़ी बेहतरीन रही। तो उसके बाद फिर हम सुबह के टाइम
उठने के बाद नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर पानी वाली जगह पे गए। ठंडा साफ पानी चट्टानों से बह कर आ रहा है। तो अभी हम पीर बुकर पे हैं और पीर बुकर का मंजर आपके सामने है और ये बेहतरीन मिल रहा है। हम असल में नाइट स्टे सांड फकीर पे करने वाले थे, मगर सांड फकीर पे तरतीब ना बनी। हम लोग दिन में वहाँ रुके और तकरीबन मगरिब के बाद वहाँ से वापस आए। वहाँ से वापस आने के बाद नाइट स्टे में पीर बुकर पे होटल पे करिए, अल्लाना होटल है। यहाँ पर हमने नाइट स्टे के बाद फिर यहाँ पानी पे आए और आबशार है। यहाँ पर बारिशों के बाद बेहतरीन व्यू बना हुआ है। मैं आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि बलूचिस्तान है और यहाँ के जो खूबसूरती है वो आप खुद देखें। तो भाई अभी हम वापसी का इरादा किया हुआ है। अरसलान भाई आपके पास मैं आऊँगा कि कैसी जगह है ये, जगह के बारे में आप क्या कमेंट देना चाहते हैं लोगों को? इजाज़ भाई बहुत अच्छी जगह है, लोगों से कहेंगे यहाँ पर आएँ और यहाँ आने से पहले यहाँ पे क्या की चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है ये आपको आप इजाज़ भाई आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। और इसके अलावा आप यहाँ नाइट स्टे करें, कोई भी ख़तरा नहीं है, ना किसी जानवर का ना इंसानी कोई ख़तरा है। आप अपना सामान लेकर आएँ, ना कैंपिंग करें, खाने वगैरह बनाएँ, इंजॉय करें। बहुत अच्छी जगह है, पानी भी बहुत साफ़ सुथरा ठंडा पानी है, पीने के लिहाज से भी और नहाने के लिहाज से। बस भाई इंशाल्लाह हम जो है इस जगह पे आए और अरसलान भाई ने अपने तासुरात बताए और तो से गुजारिश करूँगा कि आप इस ऐसी जगहों पे आएँ। बलूचिस्तान को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और जितना हमसे हो सकता है हम एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग आएँ और इन जगहों को इंजॉय करें, यहाँ पर ख़तरे की कोई बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़।